जी, तो अगला टॉपिक है टू वॉरशिप्स लॉन्च्ड। तो दो वॉरशिप्स जो है हमारी, एक का नाम है अंजदीप, एक आइलैंड के नाम पे रखा गया जो हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे है, और एक का नाम है संशोधक। ये लॉन्च की गई। अंजदीप जो है वो थर्ड एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट है हमारी। शैलो वाटर का मतलब होता है जो बहुत डीप नहीं जाती, सबमरीन होता है जो पानी के नीचे, एंटी सबमरीन मतलब सबमरीन के खिलाफ, यानी कि अंजदीप जो है वो एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट है हमारे लिए। और संशोधक फोर्थ सर्वे वेसल लार्ज, सर्वे मतलब ऑफ कोर्स जो मैपिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो हमारे एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट्स हैं, इन्हें लेस ड्राफ्ट जरूरत होती है एंड कैन ऑपरेट क्लोज टू द कोस्ट सर्चिंग फॉर अंडर वाटर थ्रेट्स एंड न्यूट्रलाइजिंग एनिमी एसिड्स। कि कोई भी अगर मतलब पानी के नीचे कोई ऐसे थ्रेट अगर है या कोई एनिमी एसिड्स अगर घूम रहे हैं तो फिर ये आपके उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जबकि सर्वे वेसल लार्ज शिप्स विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग संधायक क्लास सर्वे शिप्स विद न्यू जनरेशन हाइड्रोग्राफिक इक्विपमेंट टू कलेक्ट ओशनोग्राफिक डेटा। नाम से ही क्लियर है जी, सर्वे है तो ऑफ कोर्स सर्वे करने जा रही, ओशनिक मैपिंग कह लो आप। दोनों ही जो है एक कोलकाता बेस्ड हमारा मैं कहूंगा कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। तो दोनों हमारी जो वॉरशिप्स हैं अंजदीप और संशोधक, ये कोलकाता बेस्ड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा बनाई गई है, जो कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में से एक है। और ये है क्या, वो याद रखिएगा, एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट क्या होता है और सर्वे वेसल लार्ज क्या होता है, जो हमारी संधायक क्लास थी पहले उसको रिप्लेस करके अब हमने ये संशोधक जो है वो लगा दी है। इसमें नए जनरेशन का इक्विपमेंट यूज किया गया है ताकि ओशनोग्राफिक डेटा बेटर कलेक्ट हो सके।